यह राजा विक्रमादित्य द्वारा नवग्रह शनि मंदिर है। गुड मॉर्निंग, जय महाकाल दोस्तों। हम अपने यूट्यूब चैनल देव समीर द ट्रैवलर में आपका स्वागत करते हैं। होप आप सब अच्छे होंगे, हमारे तरह जीवन का पल पल आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, भस्म आरती के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जहाँ से निकल रहे हैं, आज हम जाएंगे नवग्रह मंदिर और देवास का चामुंडा देवी मंदिर। भस्म आरती के दर्शन के लिए रात हम लोग 12 बजे से लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद भी हम लोगों को मंदिर के अंदर प्रॉपर जगह पर बैठने के लिए जगह नहीं, अंदर भी LED TV लगे हुए थे जिस पर हम लोगों ने भस्म आरती के दर्शन किया। और जब आरती खत्म हुई तो लोग निकल गए, तो हम लोग वहाँ पर रुके रहे और उसके बाद हम लोगों ने बहुत आराम से दर्शन किए। दोस्तों, ये महाकाल कॉरिडोर है जिसको हम लोग रात में दिखाया था। अब हम लोग यहाँ से दिन में निकलते हुए अब जा रहे हैं। दोस्तों, हम जा रहे हैं यहाँ से नवग्रह शनि मंदिर, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है। क्योंकि सिटी से निकलते हुए जा रहे हैं तो हम लोग लगभग 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जी, हम लोग पहुंच गए हैं शनि नवग्रह मंदिर। यहाँ पर हम लोगों को पूजा करानी है, पंडित जी ने यहाँ पर सारा इंतजाम कर दिया है। दोस्तों, नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी ग्रह शांति की पूजा यहाँ पर करवानी है। यह राजा विक्रमादित्य द्वारा नवग्रह शनि मंदिर है। यहाँ पर 7.5 शनि महाराज, ढैया शनि महाराज, नवग्रह देवता विराजमान है। शिव के रूप में शनि महाराज विराजमान है, जिनको तेल का अभिषेक होता है। यह नवग्रह शनि महाराज का मंदिर। नवग्रह भगवान गे, शनि महाराज गे, ओम वागदुंड महाकाय यहाँ पूजा वगैरह होने में हम लोगों को लगभग 2.5 घंटा लग गया है। अब हम लोग जा रहे हैं देवास के चामुंडा देवी टेम्पल। ये उज्जैन से 52 किलोमीटर और इंदौर से 35 किलोमीटर है। गाड़ी पार करके हम लोग आ गए हैं चामुंडा देवी टेम्पल। ये देखिए, इसका गेट है और यहाँ से सीढ़ियाँ सीधे चामुंडा देवी टेम्पल की ओर जाती हैं। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर रोपवे भी है, लेकिन हमारे ड्राइवर को पता नहीं था, शायद बहुत दिनों बाद वो यहाँ पर आए थे, तो हम लोग तो सीढ़ियों से जा रहे हैं। आप लोग सीढ़ियों से ना जाना चाहें तो इस रोपवे से जा सकते हैं, सीधे मंदिर पर आपको उतारेगा।
और ये इधर गुफा में भैरव बाबा विराजमान है। माता चामुंडा के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन कीजिए। माता चामुंडा में भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं बड़ी माता के दर्शन करने, जो थोड़ी ही दूर पर है, लगभग 500 मीटर पर। ये चेयर्स पड़ी हुई है और पीछे बैकग्राउंड कितनी सुंदर है। और ये प्रसाद आलय है, यहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी सी जगह है यहाँ पर। और ये दीवार देखिए, ऐसा लग रहा है जयपुरी आर्किटेक्चर के हिसाब से बनी हुई है। ये बड़ी माता के प्रांगण से देवास शहर है। और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए देव से मिलता ट्रेवलर।